उ़ुबिल्ल मीन शतवीम अस्सलाम वालेकुम फ़्रेंड्स आज हम बना रहे हैं लज़ानिया लज़ानिया हम पास्ता से बना रहे हैं लज़ानिया लज़ानिया स्ट्रिप्स की मदद से भी बनता है लेकिन हम आज पास्ता से बनाएंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं जो मैं हाफ़ के जी यूज़ कर रही हूँ एक एम्प्टी बाउल ले लीजिए जिसमें मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर इसके साथ हाफ़ टेबल स्पून ही हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे वन फोरथ टेबल स्पून गर्म मसाला वन फोरथ टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर खुश्क धनिया वन फुल टेबल स्पून चिली सॉस वन टेबल स्पून सोया सॉस और वन टेबल स्पून ही विनेगर ऐड करेंगे वाइट विनेगर इसको अच्छे से मिक्स कर लें मैरिनेशन के लिए और इसमें चिकन को ऐड कर दें मिक्स इट वेल एंड लेट इट रेस्ट फॉर हाफ एन आवर चिकन के अलावा जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे उनमें है पास्ता एल्बो यूज़ कर रही हूँ मैं ये थ्री कप्स है आलमोस्ट इसके अलावा स्पैगेटी ये हम हाफ पैकेट यूज़ करेंगे बंद गोभी एक कप यूज़ करेंगे ज़्यादा बारीक कट मत कीजिएगा शिमला मिर्च एक चाहिए होगी प्याज हमें एक चाहिए होगा मीडियम साइज़ ग्रीन चिलीज़ थ्री टू फोर टोमेटोज़ थ्री जिंजर गार्लिक पेस्ट वन एंड हाफ़ टेबल स्पून पास्ता बॉईल करने के लिए हमने पानी रख दिया है खुला और इसके अंदर टू टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर लें कुछ लोग इसमें इस टाइम पर ऑयल भी ऐड करते हैं क्योंकि मुझे पास्ता को बॉईल करके रखना नहीं है इसलिए नहीं जुड़ेगा और मैं ऑयल भी ऐड नहीं कर रही आप देख सकते हैं हमारा पास्ता बिल्कुल भी नहीं जुड़ा बॉयल होने के बाद मैंने इसको ठंडे पानी के साथ रिंस कर लिया है दूसरी तरफ हम अब स्पेगेटी को बॉईल कर लेते हैं दूसरी तरफ हमने पैन रख लिया है चूल्हे पर और उसमें हम थ्री टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे इसमें अनियन हम ऐड करेंगे उसको सौते करेंगे जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे दो मिनट के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई करने के बाद इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसके अंदर टोमेटोज़ को ऐड कर देंगे फ्रोज़न टमाटोज़ मैंने यूज़ किए हैं थ्री आप देख सकते हैं कुछ मैंने पील ऑफ़ कर दिए हैं कुछ जो है जब हम इसको पैन में रखेंगे तो इजीली पील ऑफ़ हो जाएंगे और इसका जो छिलका है वो हम निकाल लेंगे कुछ देर के लिए इसको कवर कर दें अगर आप चाहें तो आप फ्रेश टोमेटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पर हमारा जो है टमाटो पेस्ट और चिकन जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है आप देख रहे हैं ज़रा पानी दिखाई नहीं दे रहा इस टाइम पर हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे फ्राइड ओनली फॉर वन टू तो टू तो मिनट्स डोंट ओवर कुक वेजिटेबल्स साथ ही हम बद गोभी ऐड कर देंगे इसको एक मिनट के लिए पकाएं इसको मिक्स कीजिए चिकन वेजिटेबल मसाला जो है वो रेडी हो चुका है इस टाइम पर हम जो है बॉइल्ड पास्ता ऐड कर देंगे साथ ही इसमें थ्री टू फोर टेबल स्पून चिली गॉर्लिक सॉस ऐड कर दें अगर आप चाहें तो अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो और इसको थ्री टू फोर मिनट्स के लिए हल्की आंच पर रख दें थ्री टू फोर मिनट्स के बाद इसको चूल्हे से उतार दें नेक्स्ट स्टेप में हम वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। टू टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है मैंने अगर आपके पास बटर है तो बटर यूज़ कर लें हल्का गर्म होने पर ऑयल हम टू टेबल स्पून वाइट फ्लोर ऐड करेंगे मैदा हल्की आंच पर हमारी वाइट सॉस बनेगी मैदे के लाइट गोल्डन होने तक हम इसको ऑयल में भूनेंगे मैदा जो है वो अच्छे से बुन चुका है इस टाइम पर मिल्क ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे वन एंड हाफ़ कप हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें लम्ब्स नहीं बनने देने व्हिस्क यूज़ कर लें तो बेटर रहेगा थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करें उसको मिक्स करें और विस्क से हिलाते जाएं। इस टाइम पर इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दें हाफ़ टी स्पून ही इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा ऑरिगेनो लीव्स ऐड करेंगे रोजमेरी लीव्स ऐड करेंगे स्प्रिंकल करना है हमें इनको बोथ इटालियन हर्ब्स एड्स फ्लेवर टू वाइट सॉस इस कंसिस्टेंसी पर हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा थिक हो रही है इसमें स्पेगेटी ऐड कर देंगे और अच्छे से इनको कोट कर लेंगे वाइट सॉस में लजानिया के टू स्टेप्स तो कंप्लीट हो चुके हैं अब हम इसका थर्ड स्टेप करेंगे और वो है असेंबलिंग। यम दे आर एली लुकिंग योमी अब असेंबलिंग में सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपना चिकन पास्ता दे आर इट वाल चिकन पास्ता के बाद वाइट सॉस पास्ता की लेयर हम लगाएंगे नेक्स्ट लेयर जो होगी वो होगी मजरेला चीज़ के ना इट इज़ रेडी टू गो इन द ओवन ओवन को प्री हीट कर लीजिए टेन मिनट्स के लिए टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पर इसके बाद हम लजानिया ऐड करेंगे और टेन मिनट्स के लिए इसको बेक होने देंगे जब तक हमारा लजानिया बेक होता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा लिजानिया हमारा ओवन से बाहर आ चुका है एंड इट इज रियली गिविंग वेरी अपीलिंग लुक गाइस मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में विद अ न्यू रेसिपी अपना ख्याल रखिएगा हाफिज।